ओडिशा न्यूज चैनल के मुझे धन्यवाद देमी। आम कह हला जे आधार कार्ड चिरी जिमु कि आम कह हला जे पैसा चिरी जिमु ए दाबी लागि समस्ते एक हे कुल लडो निश्चय गुट अन्य राज्य टे बनि परबा मैन कर दोष देमी अमर जे राजनेता माने अछ अमर लोकल राजनेता माने से देली से माने दोषिया राजनीतिक इच्छा शक्ति आसी जीवा हेनो राज्य हबाटा मस्ट है। मैं तो धन्यवाद देमी ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस के। जोहार मुई राज शर्मा आपनकु आपनकर निजर न्यूज चैनल ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस रे स्वागत करू छे। आपण भल करी जानिछन स्वतंत्र कोसल राज्यर दाबी वर्तमान जोर धरी छे। स्टार्टिंग नु से संबलपुरी भाषा कला संस्कृति के नै कंट्रोवर्सी लागी रही छे जार बाबद रे कि आपण सबु जानिथिबे। सबु के देखि आसबार 18 तारीख कोसल महाबंद रो घोषणा भी करा जाय छे। एंता दी पब्लिक डिमांड के देखि केनी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट ना करूथुबार ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस कौशल जनमत पब्लिक व्यू अभियान रो मूल करिछे। ये अभियान रे खास करी बरगढ़ जिल्ला रो भिन्न भिन्न ब्लॉक रो भिन्न भिन्न लोग मानकर कारण रहूछे व्यू मतामत सेटा आपण ये अभियान जरिया रे जानी पारबे। कौशल जनमत अभियान रो पहला भाग रे आमे आपनकु बरगढ़ आईएनजीबी मानकर मतामत व्यू देखामु। आमे आशा करमु आमर ये अभियान आपनकु जरूर भल लागबा। जय मां समलई। मोर नाम मानंजन त्रिपाठी। बरगढ़ रे मैं उकलाती करसी इठाने प्रैक्टिस कर मोर जीविका निर्वाह करुचे। मुई तो धन्यवाद देमी ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस के जे सब बेले ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस तमने बरगढ़ रो तथा ओडिशार सब बेले तमने के भित्तिभूमि ऊपर प्रश्न करिसि गत थर जबरदखल ऊपर तमने के जेन किसमे तमने आंदोलन आंदोलन टे ठिया कर जबरदखल तो तमने के उठावार कथा बोली तमने के जेन प्रचार प्रसार समस्त तमने सुविधा लगे लगी से लगे भी धन्यवाद। आज कोसल राज्य उपरे तमने जो जनमत संग्रह करुछन सेठा भी तमने भित्तिभूमि ग्राउंड लेवल गोटे इश्यू टी है तो आज जेन प्रश्न करुछन जे कोसल राज्य हबार कथा के मुई तो कहमी सुनिश्चित हबार कथा कारण आम जदि जिमा 1953 साल के अफजल माननीय सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस अफजल अली नेतृत्व में गोटे कमिटी गठन होता से कमिटी रे विचार होता जे राज्य माने के गठन होगा तो सेते बेले भाषा भित्तिक हवा बोली कमिटी सुपारिश करते से ही भाषा भित्तिक अनुसार तापर पार्लियामेंट रे पास होता 1957 साल आउ विभिन्न जगह विभिन्न स्टेट माने गठन होता तो एंता भी होता जे पंजाब चार्टा स्टेट हो जाता चंडीगढ़ के गोटे चंडीगढ़ के जी आम मिसामा केन्द्रशासित अंचल के हिमाचल प्रदेश होता तो पंजाब होता कि चार्टा राज्य होता से भाषागत होता तो ओडिशा भी जेन गठन होता भाषागत अनुसार ओडिशा राज्य गठन होता तो आज जदि आम देखमा जे कोसल राज्य या पश्चिम ओडिशा तो भाषागत विभेद रोची आम समलपुर समलपुरिया भाषा कह चु आम पूर्व ओडिशार भाषाटा आमको आम नहीं कहबा आम इड़े अंचल अलग तो इटा गुटे इटा गुटे कारण है कि तमें भाषागत दृष्टि कोसल राज्य हबार कथा दुई नंबर कथा जी आम देखमा जे आईनजीवी अनुसार जदि कह जे ओडिशार हाइकोर्ट ओडिशार हाइकोर्ट रोटे बेचटे परमानेंट बेचटे पश्चिम ओडिशार केनसी भी स्थले हो बोली तमें बरगढ़ रे बरगढ़ बरगढ़ वकिल संघ तरफ तमें डाकड़ा देकर भित्तिभूमि तैयार होता आई अनुसार पश्चिम ओडिशार सब सब बार एसोसिएशन सब राज्य सब लोक मैंने चाहते पश्चिम ओडिशार गोटे स्थायी हाइकोर्ट बेंच तैयार हो किंतु आज से दमन कर दिगला सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को साहय नहीं हाइकोर्ट नहीं पार्ला तो इतार पछाने रहला कथा जे पूर्व ओडिशार सब बोले पश्चिम ओडिशार प्रति जेन तमने गोटे दबावटे रोचे भाषागत दबाव रोचे डेवलपमेंट दबाव रोचे ये प्रकार जेन दबाव रोचे से कौशल राज्य हबार कथा आउ गोटे कथा आप चिंता कर देख जदि कोसल राज्य टे हूँ आमर इटने जे आम राजधानी टे पाइमा हाइकोर्ट टे पाइमा आम आम मुख्यमंत्री टे पाइमा
आम चीफ जस्टिस टे पाई परमा आम अंचल डेवलप आम ही करमा। दुई नंबर कथा रहा जे आम जी चिंता करमा जे एक्चुअल ओडिशा नो का करा है अलग हबार कथा आज भी 1947 मसीहा पर आम चिंता करमा जे पदमपुर रे नुआपड़ा रे आज पर्यंत ट्रेन रो गमनागमन सुविधा ना न आज भी सेटा अनडेवलप होकर पड़ी रही छे। बहुत अंचल कोसल अंचल रो बहुत पश्चिम ओडिशा बहुत अंचल जेनटा कि अनडेवलप होकर पड़ी छे। खाली ट्विन सिटी ओडिशा सरकार खाली ट्विन सिटी रो डेवलपमेंट लगी लगीछन आमर इडर के प्रकार डेवलपमेंट ना हबार। तो दुई नंबर कथा रहा जे जिते बेल जाए गोटे एकानवर्ती जौथ 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 परिवार रे जिते बेल घर मुखिया जहाँ के कहमा अजा हो भाई हो बड़ भाई हो समस्त को सामान आखिरी जिते बेल देखते जावा से परिवार सेन्ते ही थीसी से कभी ना मांगे कितु जिते बेल आम देखमा जे गोटे भाई के गोटे पोषार के गोटे अधिकार प्राप्त गोटे व्यक्ति के तार परिवार ताकि जिते बेल अवहेलित करसी से परिवार भांगी जासी। आम जदि देखमा जे आमर ये अंचल नरसिंहनाथ मंदिर टे अच्छे हरिशंकर मंदिर टे अच्छे आज से पर्यटन स्थल ना ही पार्ला आज पर्यटन स्थल ना से नरसिंहनाथ के जब से झरना बहुचे आम छुआ दिन देखते आसुचु आज भी देखते आसुचु। आम जदि देखमा हुमा मंदिर अष्ट अष्टशंभु मंदिर इतना अच्छे हुमा मंदिर के जदि देखमा बोले हुमा मंदिर सेन्ते ही अच्छे। तो ये अंचल डेवलपमेंट लगे कोसल राज्य गठन नितांत आवश्यक है इटा मोर फीलिंग्स है। राज्य जदि बनी परबार जदि सब एलिजिबिलिटी अछे ई परबार जदि योग्यता अछे राज्य तो इनु बोट प्रश्न उठु जी हार लागि नै हबार का दिले नै हबार काना बाधा बनु जी कारण देखुन इटा जन नै हबार पछाडे कारण होछे पूर्व ओडिसार गेम है। कारण पूर्व ओडिसा रे एंटा किछि नै न जेंटा कि तमन लगने ओडिसा सरकार चली पारे भाई इठाने देनो आमे जदि कहमा डुंगरी के जिमा हमर इठाने खनि पत्र चूना खनि पत्र अछे जेनु आमे पैसा पाई पारुछु ओडिसा सरकार चलु छे इठाने महुली बाहरु छे महुली मद लागि महुल बाहरु छे जेंदि कि ओडिसा सरकार चली पारु छे इठाने केन्दुपत्र तयार हो छे जेंदि कि ओडिसा सरकार चली पारु छे। मेन मेन जेन ओडिसा सरकार रो इनकम सोर्स पश्चिम ओडिशा रो ही जाऊ छे ई कोसल राज्य रो ही जाऊ छे तो से सोर्स के जेते बोले ओडिशा जेते बोले इठने पश्चिम ओडिशा गठन हिजबा किमा कोसल राज्य गठन हिजबा सेते बोले से सोर्स रो इनकम ता बंद हिजबा बोली से माने चाहू छन से जानी छन सेति लगे से माने कोसल राज्य गठन कर देबा। प्लस अमर भीतर बहुत लोग छन एंदा नै कहबा आमर भीतर भी बहुत लोग अच्छा जिन मैंने कौशल राज्य गठन करवार विरोध रोचन कारण तर व्यक्तिगत स्वार्थ 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 रोचे से ये अंचल के भाग भाग कर देवार जेन योजना योजना कर लगे भी इटा बंद हो तो से मोर आह्वान है कि आम एकत्रित हूँ आर कौशल राज्य अलग करूँ जेनते कि आम राजधानी पामा हाईकोर्ट पामा ये अंचल कोने कोने कोण कोण रे तमने जाई डेवलप होई पारबा बोली मुई भाबु जाय आ कोसल राज्य ने आबार पछड़े मूल ही कारण होछे पूर्व ओडिसा यारे संबलपुरी भाषा के नेगिर कंट्रोवर्सी चली जे उड़िया फिल्म इंडस्ट्रीज के नेगिर संबलपुरी भाषा के नेगिर कंट्रोवर्सी चली जे से मनोज मिश्र हुन कि नरसिंह मिश्रंकर बयान के नेगिर हो कि से जोगेश जुजो कॉमेडियन रो स्टेटमेंट के नेगिर आपण सब स्टेटमेंट ऊपर नेगिर आपण कर का मतामत दबा। देखो नरसिंह मिश्र जिनकी ओडिशार विरोधी दल नेता जेन कथाटा कहले एक्चुअल स्वागत योग्य कथा दिए किंतु सेठना जेन पदे जुड़ी देले राजनैतिक राजनैतिक उद्देश्य लेकर जेन जुड़ी देले मनोज मिश्रंकर कथा समाधान ना हेले ओडिशा दिफा ले जीवा ई कथा संगे जदि नरसिंह मिश्र जदि कहितिते जे ओडिशार पदमपुर पदमपुर नुआपड़ा इमान ट्रेन ना बा इनो तमन डेवलपर ना ही पार्बार इनो तमन मंदिर इटा भी मंदिर इटा भी भुवनेश्वर मंदिर मालिनी ही पारिता पश्चिम ओडिशा भी गोटे तमन डेवलप हो पारिता ये जिनिस जदि कही करते ओडिशा दिफाल हो जबार कथा बोले बोध हे मुई जहाँ भावुचे नरसिंह मिश्र ना आगामी दिन में ओडिशा जिते बोले कोसल राज्य गठन हाँ ना स्वर्णाक्षर लिखि दि जाइता
कि राजनैतिक उद्देश्य नहीं जेन कहले राजनैतिक उद्देश्य उद्देश्य नहीं जेन जिनिसटा स्टेटमेंट देली जदिओ सेटा स्वागत योग्य तथापि भी आम जब देखमा सेटा अंतरात्मा रो नरसिंह मिश्र नाई बाहरी इटा मुई कहबि दुई नंबर कथा जदि मुई कहबि आ गोटे जिनिस कहुछ भाषागत अनुसार आज धर्मेन्द्र प्रधान सम्माननीय मंत्री जदि नहीं थीते जदि आज मंत्री नहीं थीते बीजेपी सरकार नहीं थीते मुई राजनीतिक दृष्टि नहीं कहबार हलदर नायक आज बोध पुरस्कार नहीं रेकमेंडेशन रे जिनिस केन्द्र सरकार थुआला पुरस्कार पारिछन तो ये रहला कथा जे पश्चिम ओडिशा लोक पश्चिम ओडिशार जिन पिक्चर भोका पिक्चर के देखमा आज इंटरनेशनल लेवल रे पले गला इंटरनेशनल लेवल प्राइज पाइगला इन कलाकार इंटरनेशनल लेवल रे थ्री देले पिक्चर के कलाकार के तो से कलाकार मानक आज ये पूर्व ओडिशार वाले जिन विरोध करुछन या चाकरी ना दऊ या अमका ना करू आमे ओलीट रो हट्टाकर्ता विधाता बोली जिन भावुछन एटा बहुत गलत जिनिस है इटा कला कला टा तमन कारीर बापर संपत्ति नुए कि के कागे छेगी ना पारे इटा जनकर तमन इनहेरिटेंस जन्म रु सेटा सीसी सेटा सेटा के से डेवलप करसी तार प्रैक्टिस द्वारा तो इयारे अंचल लोग जन डेवलप तमन जन कलाकार माने अछन सेमन को कहारे दया रे सेमन ना बड़ी सेमन ताकर प्रैक्टिस रे बड़ी छन आर आगामी दिन रे जदि पश्चिम ओडिशार तमने पश्चिम ओडिशार लोक जदि तमन समलपुरी भाषा या कौशली भाषा रे पिक्चर करूछन आमे समस्ते देखबार कथा आर आमर अंचलर प्रॉब्लम ता कम से कम पिक्चर माध्यम रे थुई पारबे इटा भी मोर तांकर नो आशा करूछे आर विश्वास भी करूछे एणु तो इठने पश्चिम ओडिशार सिनेमा पिक्चर के आमे डेवलप करबार लगे आमे भी सहाय्य करबार कथा है। मोर ना हरिहर प्रधान आईनजीवी बरगर देखो निश्चित भाव में कौशल हेबार कथा जेहतु संविधान आमको परमिशन दूसरी संविधान रे अधिकार रोचे आम कौशल अन्य राज्य करवार लगे ओडिशा विभाजन हेबार लगे अन्य राज्य कर कौशल राज्य लगे आम बहुत नेता मैंने लग भी छन बहुत कुरबानी टाइप रही दिले न बहुत नेता आम जिनटा अच्छा जिन मैंने संगठन कर सब संगठन मुझे जहाँ शुणुली पाँच छः दिन भर समय एक भी हो गल न संविधान जेतु हमको परमिट करू जे कौशल राज्य हेबार कथा मोर मतरे कौशल राज्य हले केन भुलिया लाभ माने बिल्कुल आ विगत दिन रे देखन जेते बेले चीफ मिनिस्टर हमर जन बाय इलेक्शन होतला पदमपुर चीफ मिनिस्टर डिक्लेअर करले कि हमर पदमपुर गुटे डिस्ट्रिक्ट हेबार कथा आ डिस्ट्रिक्ट हेबा बोले से माने डिक्लेअर करछन डिसेंबर मास भीतर डिस्ट्रिक्ट हेबा ले डिक्लेअर करछन जेतु डिस्ट्रिक्ट डिक्लेअर करि परछन चीफ मिनिस्टर आसी करि बोले हमर कौशल राज्य काई नहीं परवा जेहेतु कौशल राज्य है आम बहुत बेनिफिट पे पारमु डिस्ट्रिक्ट है कलेक्टर अफिस् जाऊँ से निके विभिन्न आम जिन संस्था मैंने अच्छा पीडब्ल्यू डी अफिस् गला जिन अफिस् गला सब जाऊँ से निके कौशल राज्य भी है आम इन गोटे हाईकोर्ट बेचटा जेन हो परमानेंट हाईकोर्टे ही पार्बा तार बाहर आमर विधानसभा ही पार्बा बहुत किसी जिनस है पारा जिनके लगे आम ये अंचल उपकृत हो जिनटा कि आज जी विगत दिन में आम हाईकोर्ट बेच लगे बहुत चर्चित विषय था बरगड़ बारेसन आर से संगठित कर सबको आ जिते बेले बरगढ़ बारेसन संगठित कर चर्चित विषय था से टाइम के देखीदे आम जिते बेले फिक्स है सब जिनिस माने कि आमर इनु 80% कोर्ट फी आम हाईकोर्ट नु केस जन लड़ुचे से खर्च हो 80% जो आम बांची जाऊे कि जितकी है बांची जाऊे बोले आम के बेनिफिटेड प्रकृत में आम बेनिफिटेड हो पार्मू जदि आम अन्य राज्य हो कौशल राज्य मध्यप्रदेश बड़े छत्तीसगढ़ जिते बेले बहुत राज्य मान विभाजित कहीं आठटा डिस्ट्रिक्ट के नौटा डिस्ट्रिक्ट कहीं पार बिल्कुल हेबार कथा मुझे पूर्ण समर्थन करुचे कौशल राज्य जी हवा बोले आम जहाँ भी आम द्वारा हवा करमु तार लगे योग्यता सब अच्छे क्या लगे अटकी देख कि मुझे मेन कर दोष देवी आम जन राजनेता मान अच्छे आम लोकाल राजनेता मैंने दोषियान जिते बेले देखुन जेबे एवं देखुन बहुत दिन हलान बीजेडी सरकार अच्छे इनु बहुत दिन हलान बीजेपी शासन कलान आगे भी करवे मेदाल भी लगुच्छे कण बा कण नहीं जन्मत अच्छे जितने विभाजित बसबे मैंने देखे से मैंने आसबे कि कौशल राज्य लगे यहाँ लगवा लगे से कुंडाबोध लगुच क्या पोस्ट दरकार आउ मटर माँ मटर काम करवाई क्या दरकार ना यहाँ गोटे कर्पोरेट हो गलान राजनीति गोटे कर्पोरेट है माँ मटर लगे किए काम न करवा जिनके लगे आगे बहुत किसी जिनिस हेबार उपरे अच्छे और बहुत जल्दी मोर हिसाब से कौशल
विभिन्न जेनटा विभाजित हबार अच्छे राज्य हेबार लगे आमर बहुत किसी सहायक हम सम्बलपुरी भाषा के नहीं ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है। मनोज मिश्र हेले कि नरसिंह मिश्र बयान को नहीं है कि जोगेश जोजो कमेडियन को नहीं है ये आप मतामत इटा आज्ञा गोटे गोटे मझी मझी आसी गोटे गोटे इश्यू बाहर जन जन को तार इश्यूटे दरकार पड़सी जेनटा कि जे भी आमारी सम्बलपुरी उपरे हला आमर तो कोसली भी भाषा अच्छे सम्बलपुरी भी भाषा अच्छे अन्य भाषा माने अच्छे भोजपुरी भाषा अच्छे भाषा उपरे एटा उडे राजनीति चलुछे अन्य किछि नै से एटा हेतकी वाला तो किछि नै होते जेते वाले आमर कहू जन मु जहा सुनि जे कि आमर जन हो जे राज्य संगठन जन करि जन जन अभिनेता मानकर केहि त नै जानि से कथा आमे हिंदी फिल्म हेले भी देखुछु भोजपुरी हेले भी देखुछु सम्बलपुरी फिल्म हेले भी देखुछु सब देखुछु इतार उपरे जिंदा करजन रे सब राजनीति रो कथा आ इतार उपरे किछि मोर कहबार नै न पहिला तो हमर ओडिसा न्यूज चैनल के मि धन्यवाद देमी जे इतकी सुंदर जनमत कार्यक्रम टे आरंभ करजो इटा बहुत बढ़िया हबा आ इटा के मि स्वागत करू जे कारण आमे तो कौशल संग्रामी हूं आमे कौशल राज्य लागि दाबी करि आउछु आंदोलन करूछु विभिन्न प्रकार सब बेले पदक्षेप नौछु किंतु कथा होउछे ये आपन को मैं अनुरोध करमी तथा तो आह्वान करमी जे मोर 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 कथा सुनबार आगु आपन ई अंचल रो प्रत्येक गाँ के जाई लोकंकर मतामत संग्रह करून जे तांकर अंतर भावावे काणा अछि जे सेमाने एक्चुअली प्रकृति रे कौशल राज्य चाहूचन कि नहीं जदि सेमानकर प्रभावटा आपन प्रकाश करि पाले आ सेमाने जदि चाहूचन समस्ते तो सरकार काना केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार कहीं अटके ना पारो से बाध्य ही करबे कौशल राज्य आर कौशल राज्य हबार कारण होला जे आज पर्यंत कौशल ओडिशा स्टेट हला दिनु गठन हला दिनु सब क्षेत्र रे आमर अंचल के बयमात्र को मनोभाव करि आउचन आ सब क्षेत्र रे हमको सेकंड क्लास सिटीजन हिसाब से ट्रीट करा होची आपण शिक्षा कहून स्वास्थ्य कहून गमनागन गमनागन एवेन इवेन यहाँ दे आमर कला साहित्य संस्कृति के इमाने अपमान कर बसले न रिसेंट घटना तो हम जाइए मुझे आ बेस कि कबा के तार उपरे ना चाहे आमर याडर जेन कलाकार मनोज मिश्र से अदर आप समस्ते जानिछन इतिर आ बेस कि इट इज वन अफ दि इश्यू है इट इज नॉट ओनली दि इश्यू इट इज वन अफ दि इश्यू इमाने इथु प्रमाणित करूजे कि आमर अंचल के सब बेले सब समय रे ओडिशा सरकार कहाँ हला जे सब माने अत्याचार कला लेखन करूची आप गोटे घटना रिसेंटली देखे कि ओडिशा सरकार जेन कैलेंडर बाहर प्रति वर्ष ये आगामी 2024 कैलेंडर रे आप नुआखाई छुट्टी भी नहीं पाबा से आम नुआखाईटा आम अंचल एटकी बड़ पर्व है तार सत्वे भी आज पर्यटन आम दाबी करमरिटा जेहेतु आम अंचल गोटे मुख्य पर्व है कृषि भित्तिक मुख्य पर्व गणपर्व है इटा कि आमको तीन दिन छुट्टी दि जाऊ आम दाबी कर आंदोलन करवा पड़ू जे जो किंतु देखबार पड़ूजे जे रज बाबद से माने तीन दिन छुट्टी ऑलरेडी ऑफिशियल डिक्लेयर होउजे सरकारी स्तर रे तीन दिन छुट्टी डिक्लेयर होउजे किंतु आमको आंदोलन करबाय पड़ूजे आमर छुट्टी लेगे आमर जेंटा गणपर्व आ से लेगे बोले आमको आंदोलन करबो पड़े तो इन था ए सब गुटे गुटे उदाहरण है एंता बहुत किछि होछि कारण जो द्वारा कि आज कौशल स्वतंत्र कौशल राज्य दाबी आंदोलनटा जोर धरिजे आर आगामी दिन के इटा आम समस्त माने आम सुनिश्चित हूँ कि आम राज्य अलग है भाषा भित्तिक रे सांस्कृतिक भित्ति आम चालीचलन पर्वपर्वाणी सब किसी आम अलग अच्छे ओडिशा सागे आम समकक्ष किसी हिसाब ना आम सब ऊपर स्थान रे अच्छू आमर कला संस्कृति हो आम सब जिनिस विश्वस्तरीय प्रसिद्ध है तो से दृष्टि मुई तो सब कहमी आम जेहेतु आंदोलनकारी हूँ आम कहमु ही कहमु आम सपक्ष कहमु किंतु ये सब के लेकर आम अंचल जितकी लोक अच्छा सेमानकर प्रकृत भावाबेग अच्छे कि नहीं इटा आपन ही कही पार्बे आपन जेहेतु मीडिया पर्सन ये मीडिया थ्रु आपन सरकार पाखे उपस्थापन करी पार्बे मुई कौशल आंदोलनकारी बाहर मुझे जे आईनजीवी है मुई प्राय दीर्घ 35 वर्ष हलानु मुई आईन व्यवसाय संश्लिष्ट अच्छे तो मुई आईनजीवी हिसाब से मुई आपन को अनुरोध करूचे जे आपन अंतत आमर अंचल प्रत्येक गाँव रे बुलून प्रत्येक गाँव रोक मान मतामत नौ तर भावाबेग काण अच्छे से मैंने चाहूँ कि नहीं कौशल राज्य हो बोली यिनिटा समस्त आप गाँ गाँ बुल्कि आनी पारे से सरकार लगे उपयुक्त तार मैंने रिप्लाएट हो पार्बा जे एक्चुअली आमर अंचल लोक चाहूँ कि ना चाहवा से सरकार भी जानवा राज्य सरकार भी जानवा केन्द्र सरकार भी जानवा सुनिश्चित हबार कथा असुविधा कण अच्छे असुविधा किसी ना न
ହେଲେ କାହାର କାଣ ଅସୁବିଧା ହେବା? ଯେହେତୁ ଆଇନରେ ସେଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ପରମିଟ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଅନେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ହେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ, ତ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କାହାର ହେଲା? ପୋଷଣଟା ଯେ ହେଲେ ଲୋକ କେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଭ ମାନେ ମିଳିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ମଲର ୱିଲ୍ ବି ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ବେଟର ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଟର ହେବା, ଯେହେତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବେଟର ହେବା, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେନ୍ଟା ବି ତାର ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍, ଇଜିଲି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଲାଭ ଗୁଡ଼ାକ ପହଞ୍ଚି ପାରବା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ ସେଥିରେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା, ଇସବୁ ଜିନିଷ ଇଜିଲି ହେଇପାରବା। ଆର୍ ଏପ୍ରୋଚେବୁଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବା। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ବିଲକୁଲ ଅଛି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସବୁ ଖଣି ଖାଦାନ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଦେଖମା, ଆଜି ବରଗଡ଼ର କଥା କହ, ଓଡ଼ିଶାର ବାଥାଣ୍ଡି ବୋଲିକି ବରଗଡ଼ କହୁଛନ୍, କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଏରିଆ ବରଗଡ଼ ଏରିଆ ସବୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲା। ଆପଣ ତାହେଲେ କେନ୍ ଆଙ୍ଗଲରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ? ତାରପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ରିଜନାଲି ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଆମର ରିଜନାଲ କଲଚର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହୁଛି ସବୁବେଳେ। ଯେନ୍ତା କରି ଗଲେ ଆମର ଏରିଆ, ଆମର ଏରିଆରେ ନୂଆଖାଇ ମାନିଲା ବେଲେ ସେଆଡ଼େ ରଜ ମାନୁଛ, ଆମର ଭାଷା ବି ଟିକେ ଯେନ୍ତା କରି ହେଲେ ସେଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଅଲଗା। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛେ, ଆମର କଲଚର ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ସେନ ଆମର ଇନ ଗୁଡ଼ି ବେଲେ ମନ୍ଦିରକେ ବୁଝସନ୍, ସେନ ଗୁଡ଼ି ବେଲେ ପତାଙ୍ଗି ବୁଝସନ୍, ତ ଏଇ ସବୁ। ତାରପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଫାଲୁ ସେଫାଲ ତ ରହିଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଆଉ ସେଟା ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରହିକରି ଆଜି ସେଟା ବିଭ୍ରାଟ ରୂପ ଧରିଲା ନ ସେ ଜିନିଷଟା। ଅସୁବିଧା ତ ଆଇନରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି, ଅସୁବିଧା କାଣ ଅଛି, କେନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବା? ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କୌଶଳ ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରବା, ତ ତାହେଲେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, କାହାର ଲାଗି ନାହିଁ? ଦେଖୁନ୍, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯେ ଆମେ ଇହାଦେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଗ ହେସି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପରିବାରରେ, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଭାଇ ଅଛନ୍, ଯୋଡ଼େ ଭାଇ ଅଛନ୍ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯଦି ଭାଗ ଯେତେବେଳେ ହଉଛନ୍, ଯେନ୍ ଭାଇଟା ଜହ ପ୍ରପର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା, ବେଶୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା, ସେ ସାନ ଭାଇକି ଛାଡ଼ବା, ଭାଗ ହେଇଦେସି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ କରା ପଡ଼ୁଛି, ଲଢ଼େଇ କରା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେ ତାହିଁରୁ ଭାଗଟା ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଅବଷ୍ଟକଲ୍ ହେସି। ଆଜି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେହେତୁ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ, ଆମର ଏରିଆର ପରିସ୍ଥିତି, ଆମର ଜାଗାରେ, ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ହଁ ବୋଲିବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମକୁ ଗାଲି ଦେଉଛନ୍, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଆର୍ କାଣା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଟା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଯେନ୍ ଭାବରେ ଦେଖା ଦେଇଛି, ସେନ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆଜି WODC ଅଫିସ୍ଟେ ହେଲା, ଓଏ WODC ଗଠନ ହେଲା, WODC ଗଠନ ହେଲା, ଅଫିସ୍ଟା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହେବାର କଥା ହେଲା, ମାଡ଼ କରାବାର ଲାଗି ତୁମେ କେନ କରବ କହ? ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରବା କି ପବ୍ଲିକ କରବା? ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ସେ WODC ଅଫିସ୍ କେନ ହେବା ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରବା। ହାଇକୋର୍ଟ ଲାଗି ଦାବି ହେଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଲାଗି ଦାବି ହେଲା କି ହାଇକୋର୍ଟ କେନ କରବ କହ? ଆରେ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଜ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଟୁ ଡିସାଇଡ୍। ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କେନ୍ ଜାଗାରେ ହେବା, କେନ୍ ଜାଗାରେ ନେବେ, କେନ ଫିଜିବିଲିଟି ହେବା, କେନ ନାଇଁ ହୁଏ, ତୁମେ କହ ମାଡ଼। ଆରେ ଏଇଟା କାଣା? ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେ ଆର୍ ୟୁଜିଂ, ଠିକ୍ ହେ, ସେମାନେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଆମର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଅବଷ୍ଟକଲ୍ ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରାଜ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାଗ ଛଡ଼ା ଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ନାନାଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆଜିକାଲି ବାହାରୁଛି, ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫେସବୁକ୍ ସେଟା ଆହୁରି ଇନଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ କେନ୍ ଆକ୍ଟର କି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେ ଭିତରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ରେ କହୁ, ଏ ବାବୁ ଚିରି ଦିଅ, ସେ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି କାର୍ଡ଼ କାଣ ଗୋଟେ, ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଆତି ଲେଖା ହେଇଛି ଚିରି ଦିଅ, ତୁମେ ପାରୁଛ ବୋଲେ, ପଇସା ଓଡ଼ିଆତି ଲେଖା ହେଇଛି ଚିରି ଦିଅ। ଆରେ ଓ ଚିରବାର କାଣା ଅଛି, ଆମେ ତ ସେହି ଲିପି ସେହି ଭାଷାରେ ଅଛୁ, ତୁମେ ବିକଜ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆମର ଭାଷାକେ ତୁମେ ସ୍ଥାନିତ କର, ଆମର ଭାଷାକେ ସ୍ଥାନିତ କରିଦିଅନ, ରହିଯିବା ସେଠି, ଆମେ ଚିରମୁ କାଁ କରି? ଆମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚିରିଯିମୁ, କି ଆମେ କାଁ ହେଲା ଯେ ପଇସା ଚିରିଯିମୁ?
का हला जे हमर से प्रैक्टिकल से जिंस गुडा को जन कहू जन बाबू रे तुमर जदी दम अछे बोले फिकी दे काना एटा दिस आर ऑल दिस आर प्रोवोकेशन प्रोवोक करू जन समान हमर लोग प्रोवोक हो जन सुनिश्चित भाव रे ई ई इटा रीजन आ ई सब जिंस रो रीजन है ई मानसिकता जदी रहबा सुनिश्चित भाव रे लोकंगर भीतर आक्रोश हो जे आक्रोश हले डिविजन लेके डिमांड हबा अर जेतु आइन बार नै करबार सेरा कि यदि आइन बार नै करबार बोले हेबारे असुविधा काना अछि अनेक स्टेट राज्य रे हिजि आज डेट रे ओडिसा भी हबा जे ओडिसा भी कल के गोवा गुडे छोट स्टेट आ कि नोसी यदि गोवा जे छोट स्टेट कि स्टेट हि पारु जे तो पश्चिम ओडिसा त बहुत बड़ अछि पहला कथा तो मोर परिचय है मो शिरीष बल्लभ मिश्र एडवोकेट मान अबाउट 43 इयर्स है मो प्रैक्टिस रे अछि एवं आम जिन प्रश्न आप पचारे कौशल राज्य हबार कथा कहीं बोल कर आम जेन सी एस सी जेन माने सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जेन आम गठन कर बरगड़ आरंभ कर फास्ट कन्वेनर थी एवं आम प्राय दीर्घ पांच वर्ष धरिक मुझे कन्वेनर थी आम दीर्घ समय धरी लड़े कलु एवं पर बर्तमान जहाँ तो अवस्था आप जान से नहीं कर तेणु कौशल राज्यटा जो एकदम अति अपरिहार्य है जरूरी है ये आम बहुत दिन में अनुभव कर पश्चिम ओडिशा रे स्वतंत्र एक मान बेंच आम जेन बहुत दिन आम दाबी कर बरगढ़ बार एसोसिएशन बोले मैंने हाईकोर्टर गोटे एक मानने इंडिपेंडेंट मान स्वतंत्र गोटे हो बोल आम दाबी थी से दाबीटा बहुत जोरदार दाबी होता बहुत जोरदार लड़े थी और सारा पश्चिम ओडिशार वकिल मैंने जनसाधारण से पार्टिसिपेट करते जिते बेटा गोटे मैंने गोटे लगला गोटे हबार अवस्था जाऊँ बोली से पश्चिम पूर्व ओडिशा लोक भंडूर कर हाईकोर्ट बोले विशेषकर भंडूर कर तेणु आम निश्चित भाव बहुत मानने पश्चिम ओडिशावासी जी हूँ आम बहुत मानने आहत होम इत लक्ष्य अच्छे आम अंत किसी नहीं आम तो सीटा गला किसी कथा नहीं कि आम स्वतंत्र ओडिशा मान कौशल राज्य जिनटा आम आप विभिन्न पत्र पत्रिका विभिन्न दावी शुणु थी आम गोटे स्वतंत्र कौशल राज्य दावी करेन दाबीटा अति अति न्यायपूर्ण है आम ओडिशा 1936 रु गठन पर पश्चिम ओडिशा प्रति जेन वैमात्रिक भावटा से मैंने प्रदर्शन कर अद्यावधि तार गोटे पूर्णच्छेद पड़वार दरकार है जेहेतु वर्तमान केन्द्र सरकार भी छोट छोट राज्य मैंने विभिन्न जगह गठन करजे तेणु एकदम बिल्कुल बिफिटिंग एकदम वाजिब है तमें पश्चिम ओडिशा गोटे अलग राज्य हबार लगे तेणु आम पूर्ण प्राण समर्थन करते जेनटा आवश्यक पड़वा आम निश्चित भाव से जोग देमु आम जी साध्य मत आम लड़े कर कौशल राज्य हेले लोक मन को केन भलिया सुविधा माने मिली परवा कौशल राज्य हेले बोले माने जेंदा कि आपन जे से जेंदा माने से कैपिटल जेंदा रहला राजधानी रहला भुवनेश्वर रहला आमे बारंबार जेकि विभिन्न रकम आम जे दाबी बा आम जे न्याज्य दाबी जेंदा एरा उत्थापन करबार जेंदा आमे सब बेले पछे जाउछु आमर केनसी भी माने एनीवेयर इन्वेस्टर जदि राजधानी हे गला बोले आम अति मानते कम खर्च रामर जेन न्याज्य हक जेन पाइबार कथा से प्रत्येक पश्चिम ओडिशावासी पाए बोल कर आम गोटे स्वतंत्र राज्य दावी कर तो बहुत कथा अच्छे कि समय कम है आम लगे संक्षेप कहबार लगे जेहेतु कहुई तेना निश्चित भाव क्षमतार विकेन्द्रीकरणटा जेन सरकार पलिस है विकेन्द्रीकरणटा एकदम अति आवश्यक है समस्त योग्यता जेनटा जेनटा तमें आप हाईकोर्ट बोले जेन कथा कहला स्वतंत्र राज्य ए हाईकोर्ट लगे से जहा जहाँ क्राइटेरिया मैंने ठियाई जशवंत सिंह कमिटी सब आम कम्प्लाय कर सबुति कम्प्लाय कर सेन्ता ये भी गोटे मानने गोटे कौशल राज्य हबार लगे जहा जहाँ आनुष्ठानिक ये दरकार है सब रकम आम पाखे ये अच्छे मानने इनफ्रास्ट्रक्चर अच्छे सब अच्छे तेणु आम बिल्कुल हकदार हूँ तुम नुआ राज्य गठन कर राज्य हबार लगे जी एलिजिबल अच्छे राज्य पश्चिम ओडिशा ठीक गोटे बड़ प्रश्न गोटे उठू कह लगे ना हेबार क्या अटकी
ସେଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇଟା ୱିଲ୍ ଉପରେ କଥା ବୁଝିଲେ କି, ପଲିଟିକାଲ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି କଥା, ତେଣୁ ଅମକା ଦଳ କି ଧିମକା ଦଳ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିବାଟା ସମୟ ନୁହେଁ, ଆମେ ନାଇଁ କରୁ ବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାର ଅଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦରକାର, ଯେମିତିରେ କି ତାମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଇ ଇ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଅନ୍ତତଃ ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା, ଏବଂ ସେଥିରେ କାହାକେ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ଼୍ ବୋଲି ନାଇଁ କହିକରି, ଆମେ ନିଜେ ବି ଦାୟୀ ହଉଁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଦାୟୀ ହଉଁ, ଆମେ ବି କେନ୍ ଆଦର୍ଶରେ କେନ୍ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମର ହୁଏତ ଅନୁରକ୍ତି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ଯେନ୍ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେବା, ଆମେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଦେଖିଛୁ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ, ବୁଝିଲେ କି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଦିନ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସିଯିବା, ସେଦିନ ରାଜ୍ୟ ହେବାଟା ମଷ୍ଟ ହେ। ମୋ ନାଁ ନିଧବନ ବିହାରୀ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ବରଗଡ଼ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛେ, ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଆମର ଯେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ କୋଶଲର ବନ୍ଦ ଯେନ୍ ଡାକରା ଦିଆହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଯେନ୍ ଦାବି ଚାଲିଛି, ତାର ଉପରେ ଯେନ୍ ଜନମତ ନେଉଛନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଗରୁ ବି ଆମର ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମୁହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଲଢ଼ି ଆସିଛନ୍, ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍, ଆଉ ବରଗଡ଼ର ଜନତାର ଦାବା ଦାବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ରହିଛନ୍, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛେ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମର ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ହେଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ସର୍ବୋପରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ରହିଛେ ସେମିତି ସେମାନେ ଆଗକେ ଯିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରତ କାମନା କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଦରକାର ଅଛେ କି ନାହିଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେନ୍ ଦାବି ଚାଲିଛେ ସେଟା ଯଥାର୍ଥତା ଆଏ କି ନାହିଁ, ତାର ଉପରେ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମୁଇଁ। ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 80 ଦଶକରେ ପ୍ରଥମ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଶଲ ପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେଇକରି ହଉ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 80ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ତକ୍ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ହଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଟାକି କୋଶଲ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଭାବିଛନ୍ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅବହେଳିତ ହେଇକରି ଆସୁଛୁ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟର ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛେ, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଯଦି ଗଠନ ହେଲା ତାହେଲେ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଶାସନ କରିହେବା ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ପଞ୍ଜାବ ହେଲା, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିଦେଇଛେ। ତ ଓଡ଼ିଶାଟା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା କାହା କରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ନାଇଁ ହେବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦରକାର ନାଇଁ ନ। ମୁଁ ତ ଆଜି କହୁଛେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହୁଛେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତି ଦଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହଉ, ଏଇଟା ଆମର ହକର ଲଢ଼େଇ ଆଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିକରି ଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିକେ ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁ, ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା ତକ୍ ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା। ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଲାଗି ଆମର ଲଢ଼େଇ ଆଏ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ଆଏ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଲଢ଼େଇ ଆଏ, ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନାଇଁ ନ। ତ ସେଥିଲାଗି ମନ ଭିତରୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେବା କଥା, ଆମେ ପାର୍ଟିକୁଲର କୌଣସି ଦଳର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜାତିର କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମର
आम समस्त पश्चिम ओडिशार बासिंदा पश्चिम ओडिशार आम बासी इटा आम मुख्य दाबी इटा आम हक इटा आम अधिकार गणतांत्रिक अधिकार जेनटा कि आप कन्स्टिट्यूशन भी अच्छे आम कैसे अन्या काम ना कर मुझे तो बहुत खुश अच्छे बहुत धन्यवाद दौचे जेन भाई मान विभिन्न संगठन मान दाबी लगे लड़े करुचन तो निश्चित मत आगामी दिन में ये लड़े दाबी बाध्य हे सरकार से लगी जेन 18 तारीख रे जेन बंद डाकरा देचन इटा पूर्ण समस्ते समर्थन जनाऊ इटा बर्ग स्वाभिमान कथा पश्चिम ओडिशार स्वाभिमान कथा आई दाबी निश्चित मत पूरण हवा राज्य गठन बार लगी पश्चिम ओडिशा योग्यता अच्छे निश्चित मत योग्यता अच्छे ओडिशा गठन हवा दिन टू आप जानते पश्चिम ओडिशाटा हूँ माइन्स मिनरल्स फॉरेस्ट रेवेन्यू जेतकी आम पश्चिम ओडिशा जहाँ किसी रेवेन्यू कलेक्शन होटा पूर्व ओडिशा से ना हबार कि तार परिप्रेक्षी से तार कते डेवलपमेंट हो षाठी बरस सतुर बरस भितर आप जानते बहुत पछे का केन ब्रिजटे है एवं हो रिसेंटली 5-10 वर्ष भितर कथा आगु सब निष्पेष पश्चिम ओडिशा रही कि से दावा दाबी भी असेंबली रे कि उत्थापन ना कर लड़े भी ना कर बेटर टाइम आई आम आम हक लगे अधिकार लड़े करमा आम हासल करमा इटा कह प्रत्युक संपत्ति नुह आम समस्ते ओडिशार पश्चिम ओडिशार भी ये कहूँ कैंसी प्रोग्राम फिलिंग ना न पूर्व ओडिशा रे जनता हक अच्छे आम हक अच्छे इटा गोटे आदिवासी बहुल एरिया आप जानते अनुन्नत जगह कलाहांडी है आप नुआपड़ा है सुंदरगढ़ है बाकी जेन जिला गुड़ाक अच्छे डेवलपमेंट किंतु रेवेन्यूटा मैक्सिमम कलेक्शन आम पश्चिम ओडिशा रु आज ना आरम्भर आम से आम क्या करें हक अधिकार ना लड़मा आईटा कि अन्या कथा नुह बाकी प्रदेश मान के भी हो पश्चिम ओडिशा क्या कर मोर दाबी है जे पश्चिम ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य जेन दाबीटा चलीचे से दाबीटा हासिल करवा पश्चिम ओडिशा समस्ते एक ही करी हमें लड़मा दाबी हासिल करवा तो योग्यता तो अच्छे सब अच्छे लेकिन कहार इच्छा शक्ति लगी ना हमार कारण के जानते बर्तमान राजनीति जहाँ चलीचे देश रे राजनीति चलीचे गणतंत्र हत्या चलीचे नागरिक रो अधिकार ऊपर हनन होचे चलीचे बहुत किछ दाव पेजरे तो समस्ते निजर निजर गोटे सुरक्षा लगे जोड़ुछन जदि यहाँ पश्चिम ओडिशा सब एमएलए एमपी जे जेन पार्टी थाउ जदि से एक हो कहे ना मु पर्टिकुलर गोटे दल रहा है अलग कथा मुझे एमएलए एमपी आए से अलग कथा कितु जितने पश्चिम ओडिशा स्वार्थ कथा हो जगार आम दलगत भूली जबार कथा यहाँ गोटे न्याज्य दाबी है इटा के समस्ते समर्थन दवा कथा आप जानते आम बरगढ़ में 2006 प्रथम करी आप जेनटा कि पश्चिम ओडिशा गोटे हाईकोर्ट रेंच रेनता यथार्थता था से आंदोलन टा के जोर देता है 10 जिला के नहीं कर आंदोलन टा चलता बहुत जोर से पश्चिम ओडिशा हाईकोर्ट गोटे हो से जगार भी से पात अंतर नीति है तो से लगी कैंसी प्रकार आम ये बात विचार नहीं कर समस्ते एक आम दाबी हासिल लगी लड़मा इटा कौशल हौ कि आउ कण होता अलग कथा मुई कहबार लगी चाहे पश्चिम ओडिशा स्वतंत्र राज्य पश्चिम ओडिशा स्वतंत्र राज्य सेपरेट स्टेट वेस्टर्न ओडिशा सेपरेट स्टेट जेनटा कौशल ना हो कि आउ जहाँ भी ना हो किसी मत कि वी वांट सेपरेट स्टेट वेस्टर्न ओडिशा 10 जिला के नहीं जहाँ अच्छे सेबार कथा आईटा मोर आशा विश्वास आम राजनेता मान भी अच्छा शासक दल समस्ते स्वयं समर्थन करबे रहबा बोली मोर विश्वास अच्छे आउ थे मुझे आप समस्त अनुरोध कर दाबी लगी समस्ते एक ही लड़ू निश्चित मत आम आज ना काली ताके हासिल करमा पश्चिम ओडिशार गौरव पश्चिम ओडिशार उन्नति लगी
पश्चिम ओडिशा स्वाभिमान लगे मुई एडवोकेट विमल कुमार दास बरगढ़ बार गोटे सदस्य है आउ ई चैनल रे मुई आगु भी बहुत थर मुई हाजर हो जाए बहुत सुंदर सुंदर पदक्षेप गुड़ाक चर्चित विषय गुड़ाक बरगढ़ बर्निंग टॉपिक गुड़ाक जनसाधारण निके पहुँचाबार लगी इटा गोटे बहुत बड़ माध्यम है मुझे चैनल जोड़ी थोड़ा समस्त को मो निजर शुभेच्छा साधुवाद जनाऊे आर आप गोटे भल प्रश्न पचारे पश्चिम ओडिशाटा गोटे कौशल राज्य हिसाब से गोटे नुआक बनवाटा ठीक कि मुझे तो कहमी निजे मटर छुआ हिसाब से जे भी सरकार आसन बेमातृक मनोभाव प्रतिपोषण कर पश्चिम ओडिशा के नहींक्र आप देखिए पश्चिम ओडिशा जेन प्रकार राजस्व जाऊँगी आप रेलवे कहून खनि खादान कहून पानी कहून आर जेन सी भी विषय में भी कहून पश्चिम ओडिशा जेन प्रकार राजस्व जाऊँचे से प्रकार सुविधा पश्चिम ओडिशावासी को आज पर्यटन नहीं मिले एटे आप स्वास्थ्य अवस्था देखून भुशुड़ी पड़े शिक्षार अवस्था भी देखून भुशुड़ी पड़े रास्ता गुड़ाक कथा भी आप देखु जेन हिसाब से रास्ता गुड़ाक अवस्था जेन प्रकार दयन दुर्दशार अच्छी आउ ये प्रकार परिस्थित लोक मान भर गोटे गोटे ज्वालाटे गोटे अग्निटे गोटे संग्रामी अग्नि गोटे बर्णीटे ज्वली जाए से आम आम निजर माटी के आम स्वतंत्र करमा और कौशल राज्य गढ़मा कौशल राज्य केन भलिया लाभ हम देख मुझे गोटे आई आईनजीवी हिसाब से कहचे जे संविधान तो निश्चय अच्छे जे सुषम प्रशासन के पहुँचाबार लगी आ लोक मान सुशासन देवार लगी भारत बर्ष यूनियन ऑफ इंडिया रे बहुत गुड़ा राज्य हो पार आप देखने भर छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड तेलंगाना है आरो निश्चय गोटे राज्यटे सेपर राज्यटे बनले प्रशासन निश्चय पहुँचवा सरकार भी लोक डायरेक्ट पहुँचवा मानने गोटे प्रकार राज्यटे हेले आम बहुत उन्नत मान रचवा आर मान लोक मानकर भी लिविंग स्टाण्डार्ड बहुत उन्नत धरण है पश्चिम ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य कौशल राज्य बनवा सब क्राइटेरिया गुड़ाक अच्छे आप देख रहे डेढ़ दुई कोटी लोक अच्छा आउ यार भाषा भी गोटे प्रकार अलग है आर लोक मानकर भी चालीचलन गोटे भी अलग है तो पश्चिम ओडिशा गोटे राज्य बनवार सबकि पाप काठी से छिड़ा हो निश्चय राजनेता मैंने समस्त एकत्रित गोटे मंच के आसले इटा काल मिलमे ना लगे निश्चय गोटे अन्न राज्य टे बनी पार्बा पश्चिम ओडिशा गोटे राज्य योग्यता अच्छे निश्चय क्या योग्यता ना आप तेलंगाना देख गोटे राज्यटे है भाषा भितर जो राज्य जी कह पश्चिम ओडिशा भाषा तो आम सम्बलपुरी भाषा आम निश्चय गोटे भाषा भितर गोटे राज्यटे पार्बा तो सबकि माप काटी पश्चिम ओडिशा छिड़ा हो निश्चय गोटे अन्न राज्यटे हेले आम मान समस्त जीवन जीविकाटा उन्नत धरण है आउ मानने समस्ते जी चाहिए आम राजनेता मैंने जहाँ भी अच्छा समस्ते गोटे स्वर गोटे मंचर जो समस्त छिड़ा है पहला माटी तापर पार्टी जी प्रकार जी गोटे रहब निश्चय पश्चिम ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य टे निश्चय ही पार राज्य बनी पार्बार सब योग्यता मैंने अच्छे बोले कि जगह बहुत प्रश्न उठू फिर क्या लगे गठन नहीं पार्बार राज्य आज्ञा तो आम निज निजर भितर तो आज्ञा किसी तालमेल ठीक नैन बुझले ना आम तुम समय तो उपकूलिया लोकर गोडिया होकर रोचु तो किए के निजर सुविधावादी हिसाब से कते कथे उठे दूचे छिड़ा ही जाऊँच आ पचके देख बेले से चुप पड़ दौन पश्चिम ओडिशा विकास परिषद गठन हबार आज के 20-25 बरस बछर हो गलान कि आज पर्यटन आम मान भर सहमत नहीं पार्बा पश्चिम ओडिशा विकास परिषद अफिसा किंकिया हाँ तो खजरी कौशल कि गोड़ गाय मूल पहाच पहाच आम मान भर तो आज तालमेल ठीक नैन निज निज भर तो गोड़ घिचा घिची हिंसा आकार रोच तो सब स्वरटा शाणी तो स्वरटा मिलित स्वर हेले जाए किसी गोटे दाबी टे कि हक टे हासिल करेसी जेनटा कि पूरा घोर अभाव परिलक्षित होती आम पश्चिम ओडिशा लोक मान पश्चिम ओडिशा जनसाधारण मान पश्चिम ओडिशार विभिन्न संगठन मान आम मान निजर भितर भाईचारा नैन आम मान भितर किए ना पटवा किए कार गुड़ा के ना ढुकवा समस्त गोटे स्वर हो गोटे माँ मटी लगे जदि समस्त जो एकजुट जो छिड़ा होता बोले यहाँ काल विलम्ब नहीं लगता ये आम हक पाबा लगे।